इस पार्ट में हम जानेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉय वाज आस्क्ड टू राइट 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 9 raised to power 2। एक लड़के को ये नंबर लिखने के लिए बोला गया, बट ही रोट, उसने लिखा 2592। तो कह रहा है दी न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन दी टू इज, तो इसमें जो लिखा है इसमें, और ये जो लिखने के लिए बोला ये, और ये जिसने उस बच्चे ने लिखा ये, उसमें कितने का डिफरेंस है। और ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ए का ऑप्शन है 0, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो हम इसके लिए हम पहले सोल्व करेंगे इसको। तो 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 9 raised to power 2, इसको हम आप सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 raised to power 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, और 9 raised to power 2, 9 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, 9 को करेंगे तो 81, और आप 32 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2952। क्या आया? 2592। और बच्चे ने क्या लिखा था? 2592। इसका मतलब ये लिखने के लिए बोला और बच्चे ने ये लिखा, तो इसको उस बच्चे ने सोल्व करके इस तरह ये नंबर लिखा। तो उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? उन दोनों के बीच 0 का डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे ने वही लिखा है जो उसने उसको लिखने के लिए बोला गया था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी रेसिप्रोकल ऑफ, एक नंबर लिखा हुआ है और कह रहा है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -12, 12, -3/4 एंड 4/3। तो अब इस नंबर को हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर कोई नंबर लिखा है 4/3 और ये पूछ ले कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/4 इसका रेसिप्रोकल होता है। तो पहले इस नंबर को सोल्व करेंगे, तो -2/3 और इसकी पावर है 4 मल्टीप्लाई -3/4 इसकी पावर है 3। यहाँ से सोल्व करेंगे, -2/3 कितने बार होगा, पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई। फिर ये नंबर, ये कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम, -3/4 -3/4। अब देखिए 3 नीचे 3, 3 से ऊपर के 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 2 है, ये 2 2 एक 4 को कैंसिल कर देंगे, और ये 2 2 नीचे के दूसरी 4 को। अब देखिए ऊपर जो भी कोई भी नंबर नहीं बचा, क्या बचा है, 1 बचा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी सभी जगह 1 बचा है, और वो है माइनस का। क्यों? एक -2, 3, 4, 5, 6, 7 1 माइनस के हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो वहाँ पे माइनस का ही 1 होगा, तो माइनस का 1। नीचे 3 और 4 बचा तो 12। अब ये नंबर हमें हमारे पास है, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी -12/1, और इसको हम लिख सकते हैं -12 आपका आंसर होगा, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज 5A का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये चार स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आपको जो ट्रू वाली है वो ही बता देता हूँ, इसमें जो डी है वो स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी की ये फॉल्स हैं, ये होल्ड नहीं करती। और ये ट्रू क्यों है वो देख लेते हैं। 2 की पावर 8 कह रहा है बड़ा है 8 की पावर 2 से, ये साइन ग्रेटर का होता है, ये लेस का होता है, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है इससे, तो ये बात सही है, ट्रू है। अब जानेंगे क्यों। 2 की पावर 8 का मतलब है 2 जो है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8, 16, 32, 64, 128 to 256, 8 की पावर 2
का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64, तो 256 64 से बड़ा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बाकी की ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये फॉल्स क्यों है। तो इस तरह हमने 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया।